इमामगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज से झारखंड राज्य को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर गेंजना मोड़ के समय बुधवार की देर रात अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार तीन युवकों को रौंद दिया, जिससे एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक सामने समान रूप से घायल हुआ है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायलों को एक निजी स्वास्थ्य में इलाज किया गया। वहीं मृतक युवक की पहचान पैनी गांव निवासी 30 वर्षीय राकेश सिंह पिता सहदेव सिंह के रूप में हुई है, जबकि दोनों घायल युवक की पहचान पैनी गांव निवासी मुकेश सिंह पिता कृष्णा सिंह और झारखंड के अनंतपुर गाँव निवासी अभिषेक सिंह पिता मनोज माली के रूप में की गई है। वहीं घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि राकेश सिंह अपने अपने तीनों साथियों के साथ बाइक से किसी काम के सिलसिले में रानीगंज बाजार गए हुए थे और वापस अपने घर पैनी गांव लौट रहे थे। इसी दौरान जब तीनों साथी गेंजरा मोड़ के समय पहुंचे तो आगे से आ रही एक अज्ञात ट्रैक्टर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वाहन चला रहा राकेश सड़क पर गिर गया और वाहन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं बाइक में पीछे मुकेश सिंह और अभिषेक सिंह भी सड़क पर गिरकर घायल हो गए। वहीं घटना के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं देर रात्रि होने के कारण ग्रामीणों ने मृतक के बॉडी को अपने साथ घर लेकर चले गए। वहीं गुरुवार की सुबह गांव में पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गया मगध मेडिकल अनुग्रह नारायण भेज दिया है। उसके बाद पुलिस आगे कार्यवाही में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि राकेश सिंह घर का इकलौता बेटा था, उसके दो बच्चे हैं, जिसमें एक 6 वर्ष की बेटी तो दूसरा 4 वर्ष का बेटा है, जबकि राकेश के पिता 8 साल पूर्व CISF से रिटायर हुए थे। इसके बाद वे काफी बुजुर्ग हो गए हैं। पूरे घर का जिम्मा राकेश के कंधे पर था। राकेश की मौत हो जाने के कारण उनका पूरा घर उजड़ गया। अब परिवार वालों का जीवन यापन कैसे होगा, ये ईश्वर वाले ही जानते हैं। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि राकेश की पत्नी रूपा देवी बार बार रोते हुए मूर्छित हो जा रही है। उसके पिता की आंखें पथरा सी गई और वह अपने मानसिक हालत में नहीं है। व्यक्ति थे जो कि जिनके सहारे ये घर चल रहा था, एक 3 साल का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा है, तो बहुत ही दयनीय स्थिति घर का भी है और पूरे गाँव का माहौल जो है। राकेश जी क्या करते थे? राकेश जी बेचारे खेतीबाड़ी करते थे और कोई रोजगार नहीं। उनके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी जो है CISF में थे, वहाँ से रिटायर किए थे और आज 10 वर्षों से रिटायर होकर के देख सकते हैं उनको एकदम पूरा सूध बूध खो बैठे हैं। उनको तो उनके हम 4 घंटा से यहाँ हैं, लेकिन 4 घंटा में भी तक उनके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं सुनाई। सरकार प्रशासन से क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम तो सरकार से यही कहें कि गरीब परिवार है, इसको जो है जो भी सरकारी मुआवजा मिलता है वो मिलना चाहिए और इसमें जो भी जांच पड़ताल हो करके और इनको इनके परिवार को जो है एक उचित मुआवजा मिले। जो 5 लाख रुपये का एक्सीडेंटल मुआवजा तो मिलता ही है। मेरा एक और आग्रह है कि बहुत दयनीय स्थिति है इस परिवार का, तो कम से कम 10 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा इस परिवार